मामा मेरे पैर पर चोट लगी तो इस मामा ने मुझे बचाया। क्या भाई फिल्म देखकर कैसे रो रहे हो आप? जा रहे भाई बहन कैसी फिल्म देखकर कोई रोए बिना रह सकता है क्या? छोटे मूछ वाला हिटलर भी ऐसी फिल्म देखकर रोता था। क्या हिटलर ने भी इस फिल्म को देखा है? चुप। आप तो स्क्रीन पे इस हीरो को देखते ही रोना शुरू कर देते हो भाई। नाक तो साफ करो। मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? चोट लगने पर जैसे लोग छटपटाते हैं वैसे ही डांस तुम्हें पसंद है ना? बेवकूफ पुरानी फिल्मों में जो नाच गाने होते थे ना वो। फिर से चालू मत हो जाना। आपका मुंह AK-47 है। फोन आ रहा है। कंप्लेन का फोन होगा। तेरे मुंह से कभी अच्छी बात नहीं निकलती है क्या? मैंने गलत क्या बोला है? चल फोन उठा। आप नहीं उठा सकते हो क्या? रानी केबल टीवी नेटवर्क। बहुत शरारती है ये। हाँ ठीक है मैं देख लेता हूँ। हाँ ठीक है हाँ मैं देख लूंगा ना बोला। हाँ ठीक है रखता हूँ। क्या रे बोल रहा है देख लेता हूँ कौन है? अपना तहसीलदार शंकर प्रसाद। हाँ। उसके घर के सामने का केबल एम्पलीफायर रिपेयर करना है। हमने उन्हें बोला था ना परसों बदल कर देंगे, स्पेयर पार्ट्स मिलने चाहिए ना। अरे वो बहुत बूढ़ा है उठकर चल भी नहीं सकता। हाँ। रात में हम लोग जो बोल्ड पिक्चर लगाते हैं ना उसे देखकर उसका ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल रहता है इसीलिए वो तड़प रहा है भाई। उसकी बीवी कुछ नहीं बोलती है क्या? आप भी कमाल करते हो भाई, उसकी पत्नी को दिखाई नहीं देता। हाँ। पता सुबह आकर वो मुझसे क्या बोली? बोलती है मेरा पति इतना अच्छा है रात भर योगा आसन वाली फिल्में देखता है, मैं बहुत खुश हूँ। एक बुजुर्ग के बारे में ऐसी बात, बिल्कुल पागल है। तो चल जा। आप घर नहीं जा रहे हो क्या? मैं चला जाऊंगा, तू जा। ठीक है मैं जाता हूँ। राज्य में बारिश ना होने की वजह से किसानों का बहुत ही बुरा हाल है। आइए देखते हैं मंत्री जी का इस पर क्या। अरे भाई। आइए साहब कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ। दो चाय का? दो चाय दे। अरे भाई इनका नाम मणिशंकर है, नए कॉन्ट्रैक्टर हैं। इनका नाम स्वयंभू है, तमाम काम करते हैं, केबल टीवी, चिट फंड, लैंड ब्रोकर, कमाल के आदमी। अच्छी बात है ना भाई, एक काम नहीं तो दूसरा तो रहता ही होगा। वो बिल्डिंग देख रहे हो ना? हाँ? वो बिल्डिंग इनका ही है। अरे आप चुप रहो भाई, नीचे जो दुकान है वो अपनी ही है। मतलब आपको भी बड़ा आदमी बोल सकते हैं। भाई भी दिखने में कुछ कम नहीं लग रहे हैं, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मारवाड़ी की दुकान से उठा कर ले जाइएगा। अरे भाई साहब नकली है। ओ सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब कॉन्ट्रैक्टर है तो ये सब तो दिखाना ही पड़ता है। काम ही ऐसा है, सिविल वर्क मैं करता हूँ, मैन कॉन्ट्रैक्टर कोई और है। ये रख लीजिए, एमएलए साहब का साला। ये आप रख लीजिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मांस तो वो लोग खाते हैं और हमें मिलती है हड्डी। हाँ। बस ऐसे ही चल रही है जिंदगी। अरे भाई भाभी बोल रही है कि आप रात में खाना खाओगे या उसमें पानी डाल दूं। हे चुप कर भाई, परिवार नियंत्रण का नया तरीका ढूंढ लिया क्या आपने? अरे हमारे भाई के लिए सिनेमा है ना। बंद कर। ये क्या बोल रहे हैं? अरे फिल्मों के बहुत बड़े दीवाने हैं, एक ही रात में तीन तीन फिल्में देख लेते हैं। बोल रहे हैं दो ही देखता हूँ। एक रात में दो फिल्म देखते हैं? हाँ, जब ये चला जाता है तो रात को मैं अकेला रहता हूँ, केबल कट हो जाता है ना तो पब्लिक बहुत चिल्लाती है और फिर कलेक्शन के लिए जाता हूँ तो पैसे नहीं देते। रात को टीवी में देखते क्या है? अरे आप ये क्या पूछ रहे हो? वो लड़कियां जिस टीवी पर मॉडलिंग करती है ना। हाँ। वो फेमस है और उसमें हर लड़की का नाम यहाँ सबको पता है। अरे क्या बोल रहे हो? हाँ। बाहर के लोगों के सामने क्यों बेइज्जत कर रहे हो? ये सबको बताना चाहिए क्या, वरना ये हमें गवार समझेंगे। अगर बताएंगे तो ये लोग यकीन कर लेंगे क्या? लगता है भाई को सब कुछ समझ में आ गया। सब कुछ समझ में आ गया। ये लड्डू है, ये चकली है। आप क्या खाओगे? मुझे यहाँ से चाय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वाह क्या बात है, आप अकलमंद है। मैं बचपन से इस लड्डू को देख रहा हूँ। ए तू चल। ए मेरे धंधे की वाट लगा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। अरे दे दे दे। अरे पापा आप कब आए? रात में। माँ ने कहा था कि आप नहीं आएंगे। हाँ, आने के लिए मजबूर हो गया। क्यों? था कल रात को। मैं बताती हूँ, हम कार खरीदने वाले हैं, दरवाजों वाली। हाँ। कार तो वो बुक करने के लिए ठीक है पापा। सुपर पापा। मारुति नहीं पापा, साबुन के डिब्बे जैसे लगेगा। हम लोग ऑडी खरीदते हैं। ठीक है ऑडी ऑफर आने दो फिर हम खरीद लेंगे। ऑडी कार है, चलती है तो आवाज भी नहीं आती। ऐसा क्या, रोड के आदमी को सुनाई नहीं देगा और एक्सीडेंट हो जाएगा। उसके लिए हॉर्न है ना पापा। अच्छा उस गाड़ी की कीमत मारुति से कम है क्या? पापा वो 50 लाख की है। 50 लाख? काशी विश्वनाथ रथ की भी इतनी कीमत नहीं होगी। इसीलिए कहती हूँ कभी कभी ना अखबार भी पढ़ लिया करो। हाँ सही है, अखबार पढ़ने से हमें बॉडी की कीमत पता चलेगी क्या? बॉडी नहीं ऑडी। कुछ भी हो हमारे लिए मारुति काफी है। पापा हम लोग कब खरीदने वाले हैं? खरीद लेंगे बहुत जल्दी। Can't wait, पा। क्या है?
अभी तुम दोनों को उस कार में बैठकर स्कूल जाना है क्या? चुपचाप खाना खाओ। हाँ माँ, मैंने उस नेचर क्लब के बारे में बताया था ना। उस सब की हमें क्या जरूरत है? स्कूल में पढ़ने ही जाती हो ना। पापा देखो ना पापा। क्या है वो? पापा, हमारे स्कूल में नेचर क्लब है। उस क्लब की तरफ से हमें ट्रिप पर लेकर जा रहे हैं। वहाँ जाकर पेड़ पौधे एनिमल सब कुछ नोट करके आएंगे। हमारे स्कूल में मुझे और एक लड़की को सिलेक्ट किया गया है। हाँ, तुम तो बहुत बड़ी सिटी में रहती हो ना, पहले यहाँ के पेड़ पौधों के बारे में नोट्स बनाओ। पापा ए hey, रानी एक बात समझ लो। क्या? शिक्षा सिर्फ लिखना पढ़ना नहीं होता है। हमारे आसपास के पेड़ पौधों को अगर हम नहीं समझ पाएंगे तो भला देश को कैसे समझेंगे? ठीक है, देश के बारे में समझना है ना, पहले इसकी फीस के बारे में समझ लीजिए। कितना? 1800 रुपए। 1800? क्या पापा? ठीक है, दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम मुफ्त में जान सकते हैं, तो मुझे ये बताओ कि फिर उसे पढ़कर क्या फायदा? पापा ये बहुत ओवर हो रहा है। हाँ पापा, ऐसा है क्या? अच्छा बताओ कितने दिनों का कैंप है? 2 दिनों का। एक दिन के लिए जाओगे तो कुछ डिस्काउंट है, कोई ऑफर? हाँ ठीक है, मैं किसी ट्रिप पर नहीं जा रही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। खाना खा लो, खाना इसे खाओ। वो सब खा लिया है मैंने। कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये तेरे पापा बोल रहे हैं, इसमें गलत क्या है? पापा दे रहे हैं ना, अब तू जा स्कूल। मैंने कब बोला दे रहा हूँ? हाँ कह दिया, बस हो गया, बाय पापा, मैं जा रही हूँ, बाय मां। आज के बाद जरा संभल कर रहना होगा। मतलब तुम मना कर रही हो क्या? आप भी ना। अब क्या है ये सब, बच्चों के सामने ऐसी बातें रात में, ये और वो सब है? अरे वो छोटे बच्चे हैं। आप ऐसा सोचते हैं, लेकिन बच्चों को सारी बातें समझ में आती हैं। मुझे इनकी उम्र में कुछ पता नहीं चलता था। अभी भी आपको पता चलता है क्या? नहीं पता है। क्या हुआ? बहुत बड़ा शॉक लगा मुदिया। हाँ, 440 वोल्ट होगा। अच्छा वो वोल्ट है। उससे मैं चाची ने इतनी कड़वी बात कह दी कि मुझे बहुत शॉक लगा। तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? मैंने सब सुना। अगर नहीं बनाना था तो ना कर देती, उसमें शॉक लगने वाली क्या बात थी? रोज होटल में खाना खा के मेरी जीभ का टेस्ट मर गया है। अरे मर गया तो उसका जाकर अंतिम संस्कार करो मुदिया। जाओ। क्या पांडियन, घर में आए मेहमान को ऐसे इंसल्ट करते हो? मेहमानों के बारे में बुजुर्ग लोग क्या बोलते जानते हो? क्या बोलते बताओ। मैं नहीं जानता इसलिए तुमसे पूछ रहा था, उल्टा मुझसे पूछ के इंसल्ट कर रहा है। अब बताओ क्या बात है। क्या तुम्हें एक सीक्रेट बात बताऊं? तुम सिर्फ पांडियन नहीं हो, सिर्फ मैं और जोसेफ ये बात जानते हैं। उस बेवड़े ने सब बता दिया। प्रोड्यूसर हारी ने ही जोसेफ को बताया। हारी को कैसे पता चला? कल न्यूज़पेपर में भी आने वाला है। न्यूज़पेपर में? हमने ही न्यूज दी थी। आज से तुम डांस असिस्टेंट पांडियन नहीं हो, तुम डांस मास्टर पांडियन हो। तुम डांस मास्टर बन गए। बाप रे, ये कैसा रिएक्शन था? मुझे ऐसा रिएक्शन देना चाहिए था, मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है, मुझे गलत मत समझना, थैंक यू रत्ना। मैं कितनी अच्छी खबर लेकर आई हूँ, मुझे ट्रीट नहीं दोगे क्या? बताओ क्या ट्रीट चाहिए तुम्हें, मैं दे दूंगा। मैं क्या ट्रीट मांगूंगी? मुझसे शादी कर लो। ये सब मत करो, दूर दूर खड़ी रहो, दूर 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 खड़ी रहो। चाची अंदर है इसलिए ना। कहाँ जा रही हो? चाची से कहकर आती हूँ। जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा है। अरे नहीं, तुम इधर आओ। क्या हुआ? मुझे अर्जेंटली बाहर जाना है। तो चलते हैं। नहीं, अंदर जाकर बाहर जाना है। ठीक है, अंदर चलते हैं। नहीं, मुझे बाथरूम जाना है। लेकिन बाथरूम में चाची है। अरे उसके बाहर आते ही मैं अंदर जाऊंगा, तुम इतना पर्सनल मैटर क्यों पूछ रही हो? तो तुम कल आओ, हम आराम से बात करेंगे। ठीक है, कल आती हूँ। बाय बाय। ये सब क्या है मुदलियार? देखा मेरे मुंह पे ही हाथ रख दिया ना तुमने। आपने अपना मुंह यहाँ पर क्यों रखा था? मैंने सोचा चाची आई है तो मैं उनसे अपनी बात करके ही जाऊँ। अरे यार मैंने कहा ना वो नहा रही क्या है? वो जिंदगी भर नहाती ही रहेंगी, कहीं गल जाएंगी तो छोड़ो मुझे। यार मुदलियार वो रहेंगी तो मैं नहीं आ सकता, मैं रहा तो वो नहीं आ सकती। क्यों? वो शहर में आती है। अब वो मेरे सामने बात नहीं करेगी। तुम्हारा मतलब हम कल बात करें? हाँ रास्ता इधर है, आप जाइए। घर मालिक को ही रास्ता दिखा रहे हो? लगता है अब ये मुझसे भाड़ा भी मांगेगा। ये तो चाची से बात ही नहीं करने देता है। आज तक मेरी बेटी ने जो भी मांगा मैंने कभी ना नहीं कहा है, लेकिन अभी वो आपको मांग रही है। मैं ना नहीं कहना चाहता, मैं ना कहने वाला भी नहीं, तो अगर ना आप कह दें तो अच्छा रहेगा। कॉफी? कॉफी नहीं, नहीं नहीं चाहिए, नहीं चाहिए।
ठीक है। देखो मेरी बेटी तुमसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ इन्फैचुएशन है। उसका प्यार ठीक वैसे ही है जैसे कोई गुड़िया से प्यार करना। अब कोई गुड़िया के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता है? हाँ तो देखो ये तुम्हारे लिए है और इसमें पूरे 2 लाख रुपए हैं, तुम समझ रहे हो ना? वैसे तो होने वाले दामाद को दहेज दिया जाता है, लेकिन तुम्हारे पिताजी कुछ अलग किस्म के हैं। मैं दामाद न बनू इसलिए मुझे ये पैसे दिए हैं। ये सूर्य या नासुर तुम खुद फैसला कर लो। सॉरी तुम उस कमरे में नहीं थी इसलिए मेरी बात नहीं समझोगी। विश्वनाथ अय्यर चाहिए या ये पांडियन, ये तुम खुद फैसला कर लो। पांडियन ये क्या है? क्यों पांडियन भाई, शादी की रिहर्सल कर रहे हो? hey! ये असली शादी है, 3 गांड बांध चुका हूँ, ये पत्नी है मेरी। सॉरी ये वाई वाई पूरी है। नमस्ते जी, शूटिंग के लिए फूल लेके जा रहा था इसलिए आपके ऊपर डाल दिया। अभी मैं चलूं भाभी। इसमें से तो गोंद की बू आ रही है, कागज के फूल है देखो। हाँ, ये सूखेगा नहीं। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? हमारे घर में चमेली का पेड़ है। तो क्या हुआ? तो पिताजी की याद आ गई। ओ पिताजी की याद आ रही है, चिपक तो मुझसे रही हो, थोड़ी दूर हो जाओ, लोग गलत समझेंगे। काजल फैल गया क्या? नहीं नहीं। ठीक है भगवान से प्रार्थना करके मन्नत मांगो। क्या मन्नत मांगू? यही कि हम दोनों का साथ जिंदगी भर बना रहे। उनसे क्या मांगना, हमें तो साथ ही रहना है। अच्छा बाबा भगवान की तरफ देखो। तुम अचानक नास्तिक क्यों बन गई? मैं सच कह रही हूँ, भगवान चले गए। क्या मतलब? आए देखो भगवान उधर जा रहे हैं। अरे सुब्राज कहाँ जा रहे हो? कहीं और सेट लगाना है गणपति पूजा का, 7वें नंबर फ्लोर पे शूटिंग चालू है, वहीं पे जा रहे हैं हम। एक नई हीरोइन आई है, मेरी दीक्षित विकसित उसका कुछ नाम है। अरे वो माधुरी दीक्षित है, कुछ भी नाम बोल रहा है। क्या हुआ? ये कौन सा मंदिर है? अरे ये एवीएम मंदिर है, अच्छा मंदिर है, बड़े बड़े कलाकार यहाँ आते हैं, हर कलाकार का सपना होता है यहाँ आकर अपनी कला का प्रदर्शन करे। अरे रे रे रे। कुड़िया रानी क्यों रो रही? क्या हुआ तुम्हें? कौशल्या आंटी ने मेरा गाल नोचा। अरे बाप रे, इसका गाल तो पूरा लाल हो गया, जाने की ये कैसा अन्याय है उसे पूछो ना। पहले तो इससे ही पूछिए चाची, ये भी कुछ कम नहीं है। मैंने इसके पिताजी का फोटो फाड़ा ना, इसलिए मुझ पर गुस्सा है। अब अपना गुस्सा मुझे तो दिखा नहीं सकती, इसीलिए कौशल्या को परेशान कर रही होगी। उसने हल्के से गाल पे मारा होगा और ये नाटक करने लगी। अपने बाप की बेटी है ना, नाटक तो करेगी। उसने गाल नोचा। जो भी हो, झूठ बोलने में बिल्कुल अपने बाप पर गई है ये। क्या आप क्या कह रही थी? अगर मैं ना कहूँ तो मेरी बात सच हो जाएगी ना। क्या कह रही है? नहीं वो बात, मेरा दिमाग मत खाइए। और हाँ ध्यान दीजिएगा कहीं दिया बुझ ना जाए, अगर बुझ गया तो पिताजी चिल्लाएंगे। बाप रे गाल कितना लाल हो गया। सेठू अंकल ने उनका गाल नोचा। दोनों ने गाल नोचा? सेठू अंकल ने कौशल आंटी का गाल नोचा और कौशल आंटी ने मेरा। मैंने नाइट शो देखा था, मैटने भी शुरू हो गया। कौशल आंटी चोरी करती है। क्या चोरी करती है? चांदी का ग्लास, जग, मंदिर का दिया, काजू बादाम। तुम सच कह रही हो? मदर प्रॉमिस, सॉरी फादर प्रॉमिस। तुमने मुझे बता दिया ना, मैं देख लूंगा, उसे दिखाता हूँ। पापा, पापा। हाँ। मुझे देर हो रही है। ए वासु, नाश्ता रेडी? 5 मिनट और लगेंगे। मुझे ये नहीं चाहिए। क्या हुआ, खराब हो गया है क्या? ए अच्छा तो है, पी लो।
मुझे सोया मिल्क चाहिए। मम्मी ने कहा है क्या? सेहत के लिए अच्छा होता है। क्या ये अच्छा नहीं होता है? कहा ना खाओ, सोया मिल्क नहीं है, पहले से खाओ। कहा ना नहीं चाहिए। आई हेट दिस बुलशिट। खाने की चीज को ऐसे कहते हैं? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया? मुझे ये पसंद नहीं है। हाँ हेलो, मैं बोल रहा हूँ। तुम खाओ, एक मिनट। हाँ हाँ, मैंने उस बैग को ठिकाने लगा दिया है। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं, अपनी एक टीम जा रही है इन्वेस्टिगेशन के लिए। मैं भी आ रहा हूँ। हे, तुम्हें देर हो रही थी ना, अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी। ये स्पोर्ट्स ड्रेस है। स्पोर्ट? कम से कम बैट तो ले लो। ए, गाना आ रहा हूं। एक्सक्यूज मी सर, सर यहाँ आना मना है, कुछ चाहिए तो बाहर वेटर को कहिए। सर आधार कार्ड दिखाने पर भी ऑर्डर आपको बाहर ही देना पड़ेगा। इसे अच्छे से देख। ओ, पुलिस सर, बॉस का रूम बेसमेंट में है। चलो। सर 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 सर, सर यहाँ का पगार हमको पुरता नहीं है सर, इसलिए इधर का तेल हम बाहर बेच देते हैं सर। आगे से हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे सर। हम क्या सर, क्या क्या सर? अरे अरे थॉमस, अपना तेल वाला झोल सर को पता चल गया, इसलिए इंक्वायरी कर रहे हैं हमसे। सर पार्टनर है सर। सर प्लीज सर, मेरी शादी फिक्स हो गई है, अगर मेरी फोटो गांव के पेपर में आ गई तो फिर मेरी बदनामी होगी और मरने के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा। चुप रह, जो कहता हूँ करता जा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके सर। ये क्या है? इसे अंदर रख। मैदे का आटा है क्या? नहीं सर, उसमें मार्जिन नहीं है, इसलिए हम उसका झोल नहीं करते। बताओ मैदे का आटा कहाँ? वो वहां अंदर है सर। सर ये रहा मैदे का आटा। प्लास्टिक बैग, बैग कुछ ऐसा पैक करने के लिए सर। हाँ थोड़े और चाहिए। हाँ देता हूँ। पैकिंग टेप है क्या? हाँ है। स्टिकिंग टेप? हाँ। एक ट्रेवल बैग चाहिए। तुम्हारा बैग कहाँ है? वो वहां है सर। सर मुझे बाहर गांव तो नहीं भेजा है ना? बकवास बंद कर। थैंक यू सर। क्या है ये सब? ये कौन है? ये चांदनी है सर। पैकेट दो। हमारे सोसाइटी एडमिन में काम करती है, बहुत ही अच्छी लड़की है सर, और मेरी जान भी है। लाओ दो। नहीं सर, मेरे पास सिर्फ एक ही फोटो है इसकी। मैं पैकेट की बात कर रहा हूँ। चाकू है तुम्हारे पास? क्यों, किसी को मारना है क्या? सर वो रहा। पैकेट दो। ये लीजिए। सर 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 सर, अगर जिप खराब होगी तो रिपेयर के लिए 20 रुपए लगेंगे सर। प्लीज सर।